आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट MDA मुरादाबाद द्वारा 10 नवंबर से 16 नवंबर तक आयोजित रामकथा में परम श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज के श्री मुख से 7 दिन तक प्रवचन दिए जाएंगे, जिसको लेकर दिनांक 8 नवम्बर को नेहरू युवा केंद्र निकट साई मंदिर दीनदयाल नगर में श्री रामकथा के शुभारंभ हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन में मुख्य यजमान के रूप में पप्पन भाई उपस्थित रहे। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा जी और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने भूमि पूजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। तो वहीं मेयर विनोद अग्रवाल, BJP महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा सहित आदि लोग उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट समिति के सदस्य सुभाष शर्मा ने बताया कि 10 नवंबर से भव्य श्री रामकथा का आयोजन नेहरू युवा केंद्र में शुरू होने वाला है और ये 7 दिवसीय कथा रहेगी। इस कथा हेतु जो कलश यात्रा है वो शिव शक्ति मंदिर से प्रारंभ होगी और नेहरू युवा केंद्र पर समाप्त होगी। आज उसी के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है। आज मीडिया ग्रुप के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुभाष शर्मा है। राधे कृष्ण सेवा समिति MDA की संस्था है, जिसके अंतर्गत दिनांक 10 नवंबर से भव्य श्री रामकथा का आयोजन यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र साईं मंदिर के बराबर में प्रारंभ होने वाला है। इस कथा में जो कथा व्यास हैं पूज्य स्वामी अतुल कृष्ण भारद्वाज जी यहाँ पे रहेंगे। 7 दिवसीय कलश वो कथा इसमें रहेगी। इस कथा हेतु जो कलश यात्रा है वो शिव शक्ति मंदिर से प्रारंभ होगी और नेहरू युवा केंद्र पे समाप्त होगी। आज उसके लिए यहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ के प्रथम नागरिक माननीय विनोद अग्रवाल जी और हमारे माननीय DM साहब आज यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं मुरादाबाद और आसपास के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, कृपया 10 नवंबर से और 16 नवंबर तक होने वाली कथा नेहरू युवा केंद्र में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ये कथा रहेगी। सभी भक्तजन इसमें उपस्थित रहें और धर्म लाभ कमाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।